हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार श्री श्री लालाराम पाल जी के साथ इस समय बस में मौजूद हूँ। ये रावतपुर का इलाका है, कानपुर नगर का। प्रथमतः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आज 25 जनवरी 2024 है, कल गणतंत्र दिवस है। और इस पर्व पर हमारे सम्मानित राष्ट्रपति, सम्मानित हमारे सूबेदार श्री श्री लालाराम जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ। साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कब फौज को ज्वाइन किया था और कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी। हेलो दर्शकगण, थ्री में ज्वाइन किया था आर्मी को, उसके बाद में हमें काफ़ी इधर उधर ट्रेनिंग में भेजा गया, जैसे कि भोपाल, बड़ौदा और बड़ौदा में ट्रेनिंग किया। अपराध इसके बिताने के बाद में हमें दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, जैसे भोपाल है और जबलपुर है आदि शहरों में। मुझे काफ़ी ग्वालियर है, झांसी है, ऐसी ऐसी जगहों पर हमें लेने का मौका मिला। इस दौरान हमने बखूबी अपना काम करके टेक्निकल काम मुझे मिला गया था, जिससे हम बखूबी काम करके अपने सेना के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे को रिपेयर करके उनको देने दे आगे बढ़िया भाई, आगे आगे बढ़िया। और हमेशा देश के प्रति अपनी सद्भावना रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो सैनिक हैं वो भी हमारी तरह से अच्छी तरीके से काम करके अपना देश के बारे में मौका दे। साहब, आप ये बताएं, जब आप लेह लद्दाख और ग्लेशियर में थे तो वहाँ लगभग कितना टेम्परेचर आप जब लेह लद्दाख और ग्लेशियर में सर्विस करता था उस समय वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहा है। उस जगह पर आदमी सर्विस करना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो ये देखिए, हमारे समस्त देशवासियों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से हमारे रिचार्ड सेवानिवृत्त सूबेदार श्री श्री लालाराम पाटिल को हम देश की तरफ से इनको प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। क्यों, असली जीवन फौज का जीवन है और इनका देखिए मुस्कराता हुआ चेहरा बात का प्रतीक है। इतने अभी रिटायरमेंट होने के बाद भी युवा लग रहे हैं। 13 साल सर्विस हो गए। कब साहब आप रिटायर हुए? 2013 में रिटायर हुआ था। 2013 में फौज से रिटायर हुए और सूबेदार पद से रिटायर हुए। कोटि कोटि ने बधाई गणतंत्र दिवस की डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट की तरफ से प्रेषित हैं। साथियों, ऐसे ही हमारे जितने फौज के सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को, सेवारत सैनिकों को तथा उनके परिवारजनों को, अपने देश के समस्त नागरिकों की तरफ से उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन को सत सत नमन और सलूट करते हैं। ये भारत देश हमारे सभी सैनिकों, चाहे वो वायु सैनिक हो, चाहे वो नवसेना हो, चाहे वो नेवी हो और चाहे हमारी थल सेना हो, आर्म्ड फोर्सेस हो और इसके अलावा भी जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको भी हम साधुवाद व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब तक ये देश रहेगा तब तक फौजियों के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे।
तमाम अवरोधों के बीच, तमाम संघर्षों के बाद ये हमें गणतंत्र दिवस मिला है। इसको बरकरार रखने के लिए उन फौजियों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने शहादत दी है, उनको अपने मना और इस मौके पर हम उन्हें तहे दिल से याद करते हैं और उनके परिवारजनों को याद करते हैं। तो साहब आप ये बताएं कि 13 वर्ष हो गए आपको फौज से रिटायर होकर के, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू साहब। ये थे हमारे सूबेदार श्री श्री लाला राम पाल जी, जो कानपुर देहात की मैथा तहसील के कैलई का एक मजरा है बकसपुरवा, वहाँ के ये रहने वाले हैं। हम इनको पुनः कोट कोट यहाँ हमसे वार्तालाप करने के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मैं स्वयं भारतीय वायुसेना का पूर्व सार्जेंट रोटी डाल कमल हूँ और आप